फैसल, मैं बहुत अकेली हूं। हामिद की डेथ को 3 साल हो चुके हैं और अब मैं ये मशीनी जिंदगी से थक गई हूं। बहुत से हाथ हैं जो मेरा हाथ थामने के लिए मेरी हां के मुंतजर हैं, लेकिन मुझे कोई ट्रस्टवर्दी नहीं लगा। तुमसे मिलके, तुम्हारे साथ काम करने के बाद तुम बहुत डिफरेंट लगे हो, तुम बहुत अच्छे लगे हो। एक्सक्यूज मी मैम, एनीथिंग एल्स? प्लीज बाद में। मैंने तुम जैसा सिंसियर, वफादार, प्यार करने वाला शौहर और बाप नहीं देखा। फैसल, मुझे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश है। मैम, मेरी एक वाइफ है और मेरी बेटी भी है। मेरी मोहब्बत और वफादारी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। आई नो, आई अंडरस्टैंड। और मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो। तुम जब चाहो उनसे मिल सकते हो, उनके पास जा सकते हो। हम शादी करके यहाँ सेटल हो जाएंगे और ये सारा सेटअप, ये बिजनेस, ये तुम्हारा होगा और इसमें तुम्हारी फैमिली की ही बेहतरी है। तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहिल, उसकी छठी हिस्स कभी गलत नहीं होती। वैसे मुझे ना एक खतरा महसूस होता है उस औरत से। जब से मैं मिली हूं उससे, मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी आ गई है। पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मुझे मुझे नहीं समझ आता ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बस आई डोंट नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। I'm sorry, ma'am, ये पॉसिबल नहीं।